हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावते रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही सेवैया खीर की रेसिपी। काफी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं एक सेवैया खीर बनाकर बताऊं, तो इसलिए ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके घर अगर अचानक गेस्ट आ जाए तो इस खीर को आप झटपट बना सकते हो और आप फेस्टिवल पर भी इसे बना सकते हो, जैसे दिवाली, होली, ईद, ऐसे मौके पर इसे बना सकते हो। तो इस आसान सी रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे जरूर देना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे और पैन में हम ऐड करेंगे घी। 1 टीस्पून भर के हमने यहाँ पे घी लिया है। गैस की फ्लेम को हमने लो रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चिरौंजी ऐड करेंगे। चिरौंजी हमने लिया है 2 टेबलस्पून भर के। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम लिए हैं, 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ये पिस्ता लिया है स्लाइस में कटा हुआ। तो ड्राई फ्रूट्स आप आपके मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इन्हें ऐड करेंगे। और अब हम सारा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं घी में। 1 से 1.5 मिनट में ही ये रोस्ट हो जाता है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और ड्राई फ्रूट्स हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के घी। और उसके बाद हम इसमें सेवैया ऐड करेंगे। 1/4 कप सेवैया लिया है, तो सेवैया को हमें भूनना है। लो फ्लेम पे ही हम सेवैया को भूनेंगे। सेवैया को हमारे हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। 1/2 लीटर दूध हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम सेवैया को दूध के साथ पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें सेवैया को पकाना है। सेवैया को देखिए, अच्छे से दूध को हमारे बॉईल आ चुका है। सेवैया पकना बाकी है, सेवैया अभी तक पकी नहीं है। सेवैया पकने में देर लगती है, इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से चलाते रहना है। और अच्छा सा बॉईल आ चुका है, इसलिए अब हम इसमें ऊपर से 1 चुटकी कुछ धागे केसर के ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करना, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी भी बहुत अच्छी लगती है खीर। तो अब हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए, सेवैया हमारी हाफ डन हो चुकी है, इसलिए सेवैया की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम मावा, यानी कि खोया हम इसमें डाल देते हैं। और खोए के साथ हम इसको चलाएंगे। बहुत अच्छी बढ़िया खुशबू आ रही है, ये शाही खीर है। और जब आप एक बार बनाएंगे तो ये बार बार बनाने का मन करेगा आपका, तो इसे प्लीज ट्राई करना आप। सेवैया को इस तरह से पकाते हुए मुझे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और सेवैया हमारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो देखिए, ये सेवैया जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी, यानी कि 1/4 कप चीनी हम इसमें डाल देते हैं। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लेना। और अब हम इसको फिर से चलाएंगे। देखिए किस तरह रबड़ी की जैसी लग रही है हमारी ये खीर। अब हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर नमक हमने लिया है, इससे टेस्ट हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देते हैं। ये खीर हमारी जो है वो गाढ़ी होती जा रही है और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है, क्योंकि जब ये हम इसको फ्लेम से उतारेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए अब हम इसको बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे।
शाही सेवैया खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और हमने इसे सर्व किया है। एडिबल रोज पेटल से हमने इसे गार्निश किया है। तो ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और हमें जरूर कमेंट करना। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।